और बात करेंगे सुकमा से, इस वक्त की बड़ी खबर मिली जहां पर 20 किलो का आईईडी बॉम्ब बरामद किया गया है। मौके पर जवानों की टीम ने इसको निष्क्रिय किया है। चिंतागुफा थाने के तिमेलवाड़ा और पुसवाड़ा के बीच ये आईईडी बॉम्ब मिला था, जिसको जवानों ने डिफ्यूज कर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इसको प्लांट किया गया था। सीआरपीएफ की 150वीं और 74वीं वाहिनी की कार्रवाई है, संयुक्त कार्रवाई के चलते इसको डिफ्यूज किया गया है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिवा यादव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवा, ताजा अपडेट बता दूं कि ये जगरूंगा मार्ग पर स्थित है तिमेलवाड़ा घाट, जहां पर नक्सलियों का हमेशा कोई ना कोई घटने को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। ऐसे ही सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली कि नक्सली वहां पर किसी आईडी को प्लांट किए हुए हैं, कोई घटना को अंजाम देने वाले हैं। तो कोबरा 206, सीआरपीएफ 150 वाहिनी और 74 वाहिनी संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाया, और जिसके बाद वहां पर जब सर्च किया तो देखा कि नक्सलियों ने 20 किलो का आईडी लगा रखा था, जो इतना भारी भरकम होता है कि एक बड़े से बड़े वाहन को भी वो उड़ा सकता है। लेकिन वक्त रहते ही बीडीएस टीम ने उसे निष्क्रिय किया। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।